मुझे पता है कि लोगों को दूसरों की बात आसानी से मान लेने में अपमान सा महसूस होता है। उस दिन भी यही हुआ। काशी के कुछ पंडितों में ज्ञान की बातें हो रही थी। वे कहते थे कि आत्मा और परमात्मा भिन्न है। तो मैंने पूछा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ही यह कहा है ना कि उन्हीं का अंश सभी में विद्यमान है, तो फिर यह द्वैत क्यों, अद्वैत क्यों नहीं मानते? लेकिन वे मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उदाहरण स्वरूप ये भी कहा कि जैसे लहर समुद्र से ही जन्म लेती है, समुद्र में ही उठती है और आखिरकार उसी में विलीन हो जाती है, उसी लहर स्वरूप ये जीव भी ब्रह्म सागर से ही उत्पन्न होता है और अंतिमता उसी में विलीन हो जाता है। अब आप ही कहिए, क्या लहर और समुद्र अलग अलग है? बोलिए, दरिया और लहर में भिन्न कोयम। दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव की लहर।